मध्य प्रदेश के रीवा जिले के चौरहटा थाना क्षेत्र के बाईपास में बीती रात भीषण सड़क हादसे में दो युवक की मौत हो गई है। यह हादसा ट्रक और कार की आमने सामने की भिड़ंत में हुआ है, जिसके चलते दोनों वाहनों में आग लग गई है। कार में लगी आग ने भीषण रूप ले लिया और बता दें कि इसकी चपेट में आने से कार में फंसे दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। इस घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है, लेकिन जब तक गाड़ी पहुंची तब तक दोनों युवकों की मौत हो चुकी थी। मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस बीच बचाव करते हुए दोनों युवकों के शव का अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया है। फिलहाल पुलिस दोनों युवकों की शनाख्त में जुटी हुई है। कार और ट्रक के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, उसमें कार में सवार दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। अभी हम लोग एक्सीडेंट के कारणों का ऑपरेशन कर रहे हैं और एक्सीडेंट के बाद कार में आग लगी, इसके चलते ट्रक में भी आगे आग लग गई। वहां पर एक प्रत्यक्षदर्शी है, उन्होंने ऐसा हमको घटनास्थल हमने विजिट किया था ऐसा बताया है। अभी हमारी टीम और ऑपरेशन कर रही है और जो भी इसके कारण होंगे उस पर हम लोग अभी विवेचना में उसको